नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में। आज हमारे साथ देश की जानी मानी सेलिब्रिटी डाइटिशियन पूनम सागर जी मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं मशरूम वर्ल्ड ग्रुप्स की, साथ ही सीईओ हैं डाइटिशियन पूनम सागर की। तो चलिए उनसे मुखातिब होते हैं और बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से वो देश ही नहीं विदेशों में भी नाम रोशन कर रही हैं। पूनम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो देखिए, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जब हम एक डाइटिशियन के पास पहुंचते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सी चीजें चलती हैं कि डाइट चार्ट पूछ लेंगे, हम मोटे हैं तो पतले कैसे हो, पतले हो तो मोटे कैसे हो। लेकिन मुझे लगता है कि आज पूनम जी हमें वो बारीकियां समझाएंगी जो हमें ये बताएंगी कि कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं। एक और खास बात आपको पूनम जी की ये भी मैं बताना चाहूंगी कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं और बहुत से ऐसे मिशंस हैं जिसमें वो सक्रिय भूमिका निभाती हैं, फिर चाहे वृक्षारोपण हो, सेव एनवायरमेंट के कोई प्रोग्राम हो। तो सबसे पहले पूनम जी आपसे यही जानना चाहूंगी, देश विदेश की जानी मानी आप डाइटिशियन हैं, बहुत से लोगों की हेल्थ कोच रह चुकी हैं, डाइट कोच रह चुकी हैं, लेकिन सबके मन में ये सवाल होता है, जो सबको ये सब चीजें बताता है उसका खुद का डेली रूटीन क्या होता है। तो जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि पूनम सागर जी का डेली रूटीन कैसा है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं सभी भारतवासियों को मिशन चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होने के लिए बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। इसी हौसलों के साथ ही मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ, जो कि मैं योगा, सम मेडिटेशन, वॉक, जॉग के साथ शुरू करती हूँ। इसके बाद मेरे डेली रूटीन में जो इंक्लूडेड है वो है एरोबिक्स, जो कि मैं डेली 1 घंटे, जब मैं डांस करती हूँ, जब मैं म्यूज़िक के साथ डांस करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं स्ट्रेस फ्री फील करती हूँ। इसके अलावा मेरी रूटीन में एक और बहुत खास चीज़ है जो आप सभी को करना चाहिए, वह है वृक्षारोपण यानी कि प्लांटेशन। मैं डेली भोपाल की कुछ खास जगह जहाँ पर जाती हूँ, प्लांटेशन करती हूँ, पौधों की देखभाल करती हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सुना आपने किस तरह से पूनम सागर जी लगातार अपने रूटीन के बारे में इतनी जागरूक रहती हैं, चीज़ों को लेकर भी वो इतनी जागरूक हैं, चंद्रयान का उन्होंने जिक्र किया। पूनम जी, अब ये सवाल है कि एक डाइटिशियन हैं आप, साथ ही साथ इतने बड़े ग्रुप की डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं, इतने सारे पदों पर आप हैं, देश विदेश में इतना आपने काम किया है, नाम कमाया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ ये लोग जानने की ज़रूर कोशिश करते हैं कि इन सब चीज़ों के पीछे एक मोटिवेशन फैक्टर क्या, आपने किस चीज़ से आप इंस्पायर हुए कि आपने इस फील्ड को चुना? एक्चुअली मैं अपनी सोसाइटी के लिए ऐसा कुछ करना चाहती थी जिससे कि हमारी सोसाइटी स्ट्रेस फ्री हो और एक हेल्दी डाइट रूटीन, हेल्दी डाइट पैटर्न के साथ वो अपनी लाइफस्टाइल को लीड कर सकें। तो मैं हमेशा चाहती थी कि अपने इस फील्ड में आगे आऊं, इस फील्ड में अपना करियर बनाऊं। तो मैं ये काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, तो कह सकते हैं कि 17 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मुझे अपनी इस फील्ड में। और मैंने अपने करियर की शुरुआत 2005 में अपोलो हॉस्पिटल से की थी, जहाँ पर इनिशियली मैं ऑनररी डाइटिशियन सर्विस देती थी, और तभी से मैं इसी फील्ड में सक्सेसफुली काम कर रही हूँ। तो पूनम जी ने ये तो बता दिया कि मोटिवेशन कहाँ से उनको मिला, कैसे वो इंस्पायर हुई कि वो इस फील्ड में आगे बढ़े। पूनम जी, लेकिन एक और जानकारी मैं आपसे चाहूंगी, आपने बेसिक रूटीन तो आपका बता दिया, लेकिन अब हम सब जानना चाहते हैं कि जब सुबह सुबह पूनम सागर जी उठती हैं तो सबसे पहले क्या थॉट उनके माइंड में आता है और किस तरह से वो अपना पूरा दिन इस तरह से मैनेज करती हैं कि वो इतने सारे पदों का काम कर लेती हैं। देखिए, हमेशा से ही मैं टूवर्ड्स लाइफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रही हूँ, तो मैं उसी एनर्जी के साथ अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। मैं अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे उठती हूँ। उठने के बाद मेरा जो रूटीन है उसमें मैं डेली वॉक करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, एरोबिक्स करती हूँ। वहाँ से वापस आने के बाद मेरे कुछ होममेड ड्रिंक्स हैं, जैसे कि सत्तू स्मूदी है, इस तरीके की चीज़ें लेती हूँ मैं अपने वेट मैनेजमेंट के लिए, हेल्दी डाइट लेती हूँ, अपना ब्रेकफास्ट मैं खुद प्रिपेयर करती हूँ। उसके बाद मैं ऑफिस आती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं सोसाइटी को एक डिजीज़ फ्री और न्यूट्रिशियस लाइफ दे सकूँ विथ होम कुक्ड फूड एंड क्वालिफाइड टीम जो हमारी है डाइटिशियंस की, उनके साथ। तो मैं आती हूँ ऑफिस, ऑफिस आने के बाद हमारी जो डाइटिशियन पूनम सागर, जो हमारा एक प्रोजेक्ट है, उसकी जो हमारी सारी टीम है, उन टीम के साथ मैं बैठ कर डिस्कशन करती हूँ, मीटिंग्स करते हैं, हमारे जो भी नेक्स्ट प्लान्स होते हैं हम उसको डिस्कस करते हैं और फिर उसको इंप्लीमेंट करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो पूनम जी, वेट मैनेजमेंट की आप बात कर रही थी और मेरा अगला सवाल वेट मैनेजमेंट से ही जुड़ा है। दरअसल भारत की अगर हम बात करें तो लगभग हर घर में एक व्यक्ति जरूर ऐसा होता है जो ओबेसिटी से ग्रसित होता है। इस पर आप क्या सलाह देंगे? एज पर NFHS,
हर 16 महिलाओं में से एक महिला ओबेसिटी का शिकार है, वहीं पर हर 25 पुरुषों में से एक पुरुष ओबेसिटी का शिकार है। तो इसके अलावा चिल्ड्रंस आर मोर लाइकली टू फेस ओबेसिटी, इसका एक मेन वजह यह है कि हमारी सोसाइटी में न्यूट्रिशन को लेकर, न्यूट्रिशन के नॉलेज को लेकर बहुत ज़्यादा कमी है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारे जो मेटाबॉलिज्म है वो वीक होना और हार्मोनल इम्बैलेंस होना। हार्मोन्स एक बहुत बड़ा रीज़न होता है वेट मैनेजमेंट का। हमारे हार्मोन्स जब इम्बैलेंस होते हैं तो वेट बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और क्योंकि मैं डाइटिशियन हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ कि आपकी ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है इसलिए आपका वेट बढ़ रहा है। वेट बढ़ने के और भी कई वजह होते हैं, जिसमें कि प्रॉपर स्लीप ना होना, स्ट्रेस लेवल का बहुत ज़्यादा बढ़ना, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी ना होना। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमारी स्लीप भी प्रॉपर हो, हम फिज़िकली एक्टिव भी हों और अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, इन सबको हम इंक्लूड ज़रूर करें, तो आप इजीली अपने वेट पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने समझा किस तरह से वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, और कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं तो उससे आपके वेट पर काफी फर्क पड़ता है। पूनम जी, अब अगर हम अच्छी डाइट या कहें प्रॉपर डाइट की बात करें तो हमारे देश में लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। उनको लगता है डाइट मतलब सैलड्स और सूप्स, यानी अच्छा खाना खाने को नहीं मिलेगा अगर हम डाइट पे होंगे। लेकिन आप इस भ्रांति को दूर करें, इस भ्रम को दूर करें, क्योंकि मैं चाहती हूं कि लोगों को असली मतलब पता चले कि प्रॉपर डाइट क्या होता है। तो हमारे दर्शकों को आप जरूर बताएं एक प्रॉपर डाइट क्यों जरूरी है। देखिए, प्रॉपर डाइट का मतलब ये नहीं होता है कि आपको सिर्फ सैलेड खाना है या आपको उबला हुआ खाना खाना है, बल्कि प्रॉपर डाइट एक ऐसा मील होता है जिसमें आपकी दिन भर की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। स्पेशली हमारे 3 मेजर मील होते हैं, पर मैं समझ सकती हूँ कि इस हेक्टिक स्केड्यूल में लोगों को अपने 3 मेजर मील लेना बहुत ही मुश्किल होता है, पर मेजर मील लेना तो ज़रूरी है और वो आपको लेना पड़ेगा और लेना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट, यूजुअली लोग ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं, पर ब्रेकफास्ट को स्किप बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट का तो मतलब यही होता है कि जो हमारी ओवरनाइट फास्टिंग होती है उसको ब्रेक करता है और हमको इंस्टेंट एनर्जी देता है। इसके अलावा जो भी असेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है, ताकि हम दिन भर के लिए जो हार्डवर्क करते हैं उसके लिए हमारी बॉडी प्रिपेयर हो जाए। तो हमको ब्रेकफास्ट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और कोशिश करें अपने 3 मेजर मील को लें। मुझे तो लगता है कि अगर हम डाइट को प्रॉपर तरीके से लेते हैं, जो हमारे 7 फूड ग्रुप्स होते हैं उससे हमारी सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। तो अगर हम अपने खाने को सही तरीके से प्रॉपर वे में लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट या बाहर से कुछ और भी लेने की ज़रूरत पड़ना चाहिए। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अगर हम ये समझ लें कि प्रॉपर डाइट एग्जैक्टली क्या होती है तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी और शायद हम सब चीज़ें खाकर भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना पाएंगे। पूनम जी, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम बात करें बच्चों की, घर के बच्चे, यानी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है इन्हें खाना खिलाना और इनको मनाना कि ये हेल्दी चीजें खाएं, उनकी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स जो होती है वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को बहुत परेशान करती है और वो ज्यादातर इसी परेशानी में रहते हैं कि बच्चों को हेल्दी कैसे खिलाएं। इन पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही कहा आपने, बल्कि पेरेंट्स होना ही एक बहुत मुश्किल टास्क है। एज़ पर GBD 11.5% बच्चे ओबेसिटी का शिकार हैं, जो कि 2030 यानी 2030 तक इसका परसेंट बढ़कर 17.5 हो जाएगा, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो हमें इस पर फोकस करना चाहिए। इसकी एक जो सबसे बड़ी वजह है वो है स्क्रीन टाइमिंग। बच्चों की स्क्रीन टाइमिंग बहुत बढ़ गई है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हो गए हैं। स्क्रीन टाइमिंग बढ़ने की वजह से या तो बच्चे बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं या फिर वो बिंज वॉच करते हुए कुछ भी खाते हैं, जिससे कि उनकी ईटिंग हैबिट्स डिस्टर्ब होती हैं। बच्चों की ईटिंग हैबिट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उनका खेलना कूदना, उनकी फिजिकल एक्टिविटी, उनका स्लीपिंग पैटर्न, क्योंकि वो जितना ज़्यादा स्क्रीन के साथ टाइम स्पेंड करेंगे उतना ही ज़्यादा उनका स्लीप डिस्टर्ब होगा। जैसे कि 2 से 4 साल के बच्चों को कम से कम 14 घंटे की 14 आवर्स की स्लीप रिक्वायर्ड होती है, वहीं पर उनसे थोड़े बड़े बच्चों को 12 आवर्स मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं, पर बच्चे इसकी आधी स्लीप ही ले रहे हैं। तो हमको उनके स्लीपिंग पैटर्न पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बात करें अगर उनकी ईटिंग हैबिट्स की, तो अगर आप उनको सुधारना चाहते हैं
तो कोशिश कीजिए कि रेगुलर फैमिली मील्स प्लान करें उनके साथ, उनको रेनबो डाइट सर्व करें। सबसे पहले आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को सुधारें ताकि आप उनके रोल मॉडल बन सकें। बच्चों को कोशिश करें कि उनको जो चीज़ वो बाहर खाना पसंद करते हैं, हम वही चीज़ उनको घर में बनाकर खिलाएं। बच्चों को मिलेट्स ज़्यादा से ज़्यादा सर्व करें, स्पेशली रागी, जिसको हम बच्चों के लिए वंडर मिलेट्स बोलते हैं, जो कि बच्चों में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। तो यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि बच्चों को खिलाना इज़ नॉट अ ईजी टास्क, लेकिन अगर आप जो पूनम सागर जी ने टिप्स दिए हैं उसको फॉलो करेंगे तो बेहतर होगा कि आपके बच्चों का जो लाइफस्टाइल है उसको भी आप अच्छे से प्रभावित कर पाएंगे, उसको पॉजिटिवली ले पाएंगे और बच्चे भी आपकी बात सुनकर हेल्दी फूड खाएंगे। पूनम जी, एक चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी है, आपकी डाइटिशियन पूनम सागर टीम ने एक टर्म इजाद किया है, घर का खाना। घर का खाना सुन के तो ऐसा लगता है मुंह में पानी आ जाता है, घर का खाना ही होता है, लेकिन आपकी टीम ने इसमें क्या कुछ नया किया है वो आपसे जानना चाहिए। सी पीपल बेसिकली अंडर एस्टिमेट घर का खाना। घर का खाना ही एक ऐसा खाना है जिससे आपको सब कुछ मिलता है, पर लोग घर के खाने पर फोकस नहीं करते हैं और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स फुलफिलमेंट के लिए वो यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं। पर यकीन मानिए, अगर आप घर के खाने को ही प्रॉपर वे में लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर प्रोटीन सप्लीमेंट चाहते हैं तो उसकी जगह आप सत्तू ले सकते हैं। आई साइट्स के लिए एड मोर कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और अगर आप जिम सप्लीमेंट लेते हैं तो उसकी जगह आप प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स जैसे कि ऑल फ्रूट नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स एंड सीड्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल भी बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फोकस कीजिए अपने घर के खाने पर। और मिलेट्स को मैं बार बार कह रही हूँ, मिलेट्स बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड है, तो मिलेट्स को अपने खाने में इंक्लूड ज़रूर कीजिए। तो मिलेट्स को तो बढ़ावा मुझे लगता है पूनम जी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी बढ़ावा दिया है, उन्होंने भी मिलेट्स की उपयोगिता और उसके महत्व को जन जन तक पहुंचाया है मुझे लगता है। लेकिन एक और चीज़ आपसे जानना चाहूंगी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हमारे दर्शकों को लग सकती है, आपकी प्रोडक्ट रेंज की जो थीम है वो गो बैकवर्ड है। काफ़ी ऑफबीट ये साउंड करती है, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह से आपकी कंपनी इस पूरी चीज़ को, इस थीम को संभालती है और क्या कुछ नया इसमें हमें जानने को मिल सकता है। जी देखिए, गो बैकवर्ड से हमारा मतलब है उन सारी पुरानी आदतों को अपनाना जो कि हमारी बॉडी को फिट रख सकती है और हमको हेल्दी रख सकती है। जैसे कि रोटी ही ले लीजिए, पहले पुराने ज़माने में हम मिलेट से बनी हुई रोटी खाते थे जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस होती थी। जैसे कि हमारे फोर फादर्स, हमारे एंशियंट ह्यूमन काइंड्स हिस्ट्री के थ्रू हमको हमेशा से समझाते आ रहे हैं कि होम बेस्ड कुक्ड फूड हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। मिलेट्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि मिलेट उपमा, मिलेट रोटी, मिलेट दलिया, इस तरीके की चीज़ों को हम अपनी डाइट में इंक्लूड करके एक बहुत ही हेल्दी और डिजीज़ फ्री लाइफ को लीड कर सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए डीटी पूनम सागर ने मार्केट में बहुत ही जल्दी मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स को, फूड प्रोडक्ट्स को मार्केट में अवेलेबल करने की तैयारी की है। और हमारे ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही स्ट्रॉन्गली अडॉप्ट किए जा रहे हैं। तो बहुत ही जल्दी मार्केट में डीटी पूनम सागर के मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होने वाले हैं। पूनम जी, जैसा कहा जाता है कि हर इंसान का शरीर अलग होता है और अलग अलग उसकी फिर नीड्स होती है, अलग अलग उसके डाइटरी प्लान्स होते हैं, कुछ इसी प्रकार कल्चर में भी डिफरेंस मुझे लगता है एक बड़ा रोल प्ले करता है। आपने तो शुरुआत लंदन में की, काफ़ी समय तक आप वहाँ रहीं, अपोलो में आपने फिर काम किया और अब आप भोपाल में रहकर नेशनल इंटरनेशनल कंसल्टेंट का भी काम कर रही हैं, तो क्या अंतर आपने महसूस किया? आप इतनी जगहों पर काम कर चुकी हैं, कल्चर डिफरेंस किस तरह से इम्पैक्ट देता है आपके डाइट पर, आपके लाइफ? Even not only cultural difference,
एटमॉस्फेयर, क्लाइमेटिक कंडीशन, सनसेट, इन सभी चीज़ों का हमारी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसकी वजह से हमारे डाइट पैटर्न चेंज हो जाते हैं। पर एक जो बहुत ही अच्छी और मज़ेदार बात जो मैंने देखी है, जो मैं यूके में देखती थी और मैं यहाँ देखती थी, और मैं जब डाइट प्रिस्क्राइब करती थी तो मैंने ये देखा कि वहाँ पर लोग पेट भरने के लिए खाते हैं, पर हमारे यहाँ लोग अपने टेस्ट के लिए खाते हैं। वहाँ पर लोग उतना खाते हैं जितना उनको ज़रूरत है, और यहाँ पर लोग उतना खाते हैं जब तक उनको पूरी तरह से उस खाने का फील ना आ जाए। वहाँ पर लोग कैलोरी काउंट करते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी कैलोरीज को काउंट करते हैं और उसको मेंटेन करते हैं, और उसी हिसाब से वो अपनी डाइट लेते हैं। पर यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूँ, मैं पेशेंट्स की बात करूँ, तो व्हेन आई वाज इन अपोलो हॉस्पिटल, तो वहाँ पर एक अलग तरीके के हमारे पास क्लाइंट्स होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि वो, और उनके साथ काम करना एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है। मैं अपने काम को बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ, मैं अपनी काउंसलिंग को बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ, और मैं अपनी काउंसलिंग के लिए काफ़ी फेमस रही हूँ। अपोलो हॉस्पिटल में मेरे जो पेशेंट्स होते थे वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए होते थे, बहुत, और मैं भी उनसे काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई होती थी। तो कई बार ऐसा भी होता था कि पेशेंट्स तब तक खाना नहीं खाते थे, तब तक अपना मील नहीं लेते थे जब तक डाइटिशियन पूनम सागर वहाँ पर नहीं पहुँचती थी। तो हॉस्पिटल्स में काम करना एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है और बहुत ही मुश्किल टास्क भी है, पर हाँ, मैं उसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि चूंकि आप अपने वर्क को काफी ज्यादा इंजॉय करती हैं, काफी ज्यादा खुशी से करती हैं, इसलिए लोगों को आप लगातार मोटिवेट भी करती हैं कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और अपने डाइट का ख्याल रखें। पूनम जी, एक सवाल और, मैंने सुना है कि इंटरनेशनल बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स में भी आपका मशरूम वर्ल्ड ग्रुप एंड कंपनी पब्लिश हुआ था, और उसके बाद से काफी पॉपुलैरिटी आप लोगों ने गेन की है, जिस तरह से आपकी इनोवेटिव क्रिएटिव टीम काम करती है, और डाइटिशियन पूनम सागर जो आपका प्रोजेक्ट है वो भी इसी के अंडर आता है। तो आपसे बस यही जानना चाहेंगे कि अब आपकी इस कंपनी का, प्रोजेक्ट टीम का क्या ओवरऑल विजन है, आगे क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है? जी, मशरूम वर्ल्ड ग्रुप का विजन जो है वो किसी एक वर्टिकल में जाके काम नहीं करना है, बल्कि हर उस वर्टिकल में जाके काम करना है जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कोई भी इम्पॉसिबल आइडिया जिसमें कि इनोवेशन हो, पोटेंशियल हो, उसको कैसे एक अच्छा रूप देना है, ये मशरूम वर्ल्ड ग्रुप बहुत अच्छे से जानता है। और अगर आप बात करें पर्सनली, अगर आप डाइटिशियन पूनम सागर के विजन की बात करें, तो हमेशा से मेरा विजन रहा है एक हेल्दी सोसाइटी, डिजीज़ फ्री सोसाइटी, हेल्दी लाइफस्टाइल को लीड करना। इसलिए मैंने मिलेट्स को अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया, मिलेट बेस्ड डाइट को मैं मार्केट में लाना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत न्यूट्रिशियस होती है, और इसलिए हमने अपने प्रोजेक्ट की थीम रखी है गोइंग बैकवर्ड्स। गोइंग बैकवर्ड्स हम ये समझाना चाहते हैं कि हमारे जो फोर फादर्स थे, या जिन चीज़ों को हम पहले भूल चुके हैं, जिस खाने को, जिस लाइफस्टाइल को, वापस हम उसको अपनाएं, जैसे कि मिलेट्स को अपने डाइट में इंक्लूड करना, रागी, ज्वार, बाजरा, इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करना, जिसके थ्रू हम, जैसे कि अगर आप बात करते हैं DTPS यानी डाइटिशियन पूनम सागर की जो फूड रेंज जो मार्केट में आने वाली है, उसमें हम मिलेट बेस्ड नूडल, मिलेट बेस्ड उपमा, पैनकेक, इन सारी चीज़ों को बहुत जल्दी मार्केट में लाना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी जितनी भी पुरानी आदतें हैं, जैसे कि साइकिल चलाना, जल्दी सोना और जल्दी उठना, हम इन सारी चीज़ों को फिर से एक बार अपनाएं और अपने डेली रूटीन में इनको शामिल करें। और बहुत जल्दी ही हमारी ये जो फूड रेंज है, ये भारत के अलावा हम इसको एक्सपोर्ट भी करने वाले हैं, तो जिसकी हमारी तैयारी चल रही है, और बहुत जल्दी ही ये मार्केट में अवेलेबल होगा। और मैं, क्योंकि मैं डाइटिशियन हूँ, इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ आपसे कि आपको मिलेट्स खाना है, बट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मिलेट्स एक बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस और हेल्दी फूड है, और अब तो हमारे देश की गवर्नमेंट भी मिलेट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। तो बिल्कुल सही कहा पूनम जी आपने, मुझे लगता है कि मिलेट्स को प्रमोट इसलिए हमारी गवर्नमेंट भी कर रही है, क्योंकि जैसा आपने जिक्र किया, उसके अनगिनत लाभ हैं जो शायद आज तक हमें पता नहीं थे। हमें तो बस यही लगता था कि अगर हम डाइट की बात कर रहे हैं तो हम फिर सैलेड्स खाएंगे या उबला हुआ खाना ही खाएंगे, लेकिन जैसा कि आपने सुना, पूनम जी ने हमें अनगिनत लाभ बताए हैं, अनगिनत ऐसी चीज़ें बताई हैं, चीज़ों के बारे में जो शायद, मुझे लगता है कि आप जब रोज़ खाना खाने बैठते हैं तो वो सोचते भी नहीं होंगे, उन्होंने उन चीज़ों को बताया है। और निश्चित ही पूनम जी आप एक इंस्पिरेशन हैं उन सभी लोगों के लिए जिन
जिनका मानना है कि अगर हम डाइटिशियन के पास जाएंगे तो वो हमें कुछ डिफिकल्ट सा डाइट चार्ट दे देंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक सही पैटर्न को फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आप सब खा सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। पूनम जी बहुत शुक्रिया आपका खास बातचीत के लिए। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।